हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल मैदान में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिरकत कर तिरंगा फहराया और जनता को संबोधित किया। मुख्य अतिथि गोविंद सिंह ठाकुर ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सीमित कार्यक्रम में केवल मात्र मार्च पास्ट की सलामी के अलावा स्वतंत्रता सेनानी और पुलिस कर्मियों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, डीसी देवश्वेता बनिक, एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन, एसडीएम चिरंजीलाल चौहान भी मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी का ड्रा भी निकाला गया। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, जिसे आज देश याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में कई बार संशोधन हो चुके हैं और देशवासियों को बेहतर संविधान दिया जा रहा है। हम सभी के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन भारत ने पूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई थी और आज के दिन ही 1950 को संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास से भारत के जन जन के मन की भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इन सभी बातों के साथ 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। साथियों, भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जन भावनाओं के अनुरूप समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और अभी तक भारत के संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं और देश के नागरिकों को एक बेहतर जीवन को ले जाने के लिए यह सब किया जाता है। साथियों, इस अवसर पर गोविंद सिंह ठाकुर ने पद्मश्री अवार्ड मिलने वाले हमीरपुर जिला के करतार सिंह सोंकला को भी बधाई दी और कहा कि ये हमीरपुर जिला ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। साथ ही वीरों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दी गई और कहा कि इस साल में कोरोना के संकट से जूझ रहे लोगों को छुटकारा मिलेगा क्योंकि वैक्सीन आने से बीमारी का खात्मा होगा। महत्व के इस कार्यक्रम में उन वीरों को, वीरांगनाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को सदा याद करते हैं जिनके कारण से आज हम सब ये दिन देख रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अभी आने वाला जो 2021 है, ये जो हमारा वर्ष चल रहा है, ये सबके जीवन में प्रसन्नता लाएगा। कोरोना का संकट अब टल रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक नियमों का पालन करना। मैं एक और बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले का नहीं, हमीरपुर जिला के श्री करतार सिंह सोंखले, जिन्हें कला के क्षेत्र में विशेष तौर पर बांस की कलाकृतियां एवं बंद बोतल में कलाकृतियां बनाने के लिए करतार सिंह सोंखले जी, ग्राम लोहंगी, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर, जो पहले एनआईटी से सीनियर फार्मासिस्ट रिटायर हुए हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। और मैं कहूंगा करतार सिंह सोंखले जी को पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान करने के साथ साथ पूरा हमीरपुर जिला सम्मानित हुआ है, इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। आप सभी के विभाग से गुजरते हुए आदर्श वाक्य है निर्भय, निष्पक्ष, सत्य, निष्ठ। गृह रक्षक पुरुष टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं पीसी सतीश कुमार, सलामी मंच से गुजरते हुए। गृह रक्षक महिला वाहिनी
पीसी मीना कुमारी की नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजकुमार के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया दल की टुकड़ी सलामी मंच से गुजर रही है। एनसीसी की टुकड़ी कुमारी ममता रानी के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए स्काउट एंड गाइड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं विवेक कुमार। और अंत में गृह रक्षक बल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार महेंद्र सिंह। स्वामी मंच